वज्र आसन या वीर आसन। वज्र आसन करते वक्त इन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे बवासीर के मरीजों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। घुटने के दर्द और एड़ियों के चोट से पीड़ित व्यक्ति को इस आसन से परहेज करना चाहिए। वज्र आसन, पैरों को मोड़ते हुए घुटने के बल खड़े हो जाएं। अब धीरे से अपनी एड़ियों को फैलाएं और पैरों के अंगूठों को मिलाते हुए धीरे से घुटनों के बल बैठ जाएं। हाथों को घुटनों पर रखें। कमर और गर्दन को सीधा रखें। आंखों को कोमलता से बंद करें। ध्यान रहे पैरों के अंगूठे आपस में मिले हों। एक पैर का पंजा दूसरे पैर के पंजे पर न चढ़ा हो। यह वज्र आसन है। वज्र आसन से होने वाले लाभ इस प्रकार हैं। इस आसन से जांघ और पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह आसन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। यह मेरुदंड को सुदृढ़ता प्रदान करता है और उसे सीधा रखने में सहायता प्रदान करता है।